ऑपोजिट पीएम भी पड़ता है, तो ये अभी अभी न्यू खुला है परसों, तो फिर हम आपको आगे देने रिव्यू, सो अंदर चलते हैं। मैं मान सिंह कुंदवानी, असी इत्थे टांडा रोड कन्या महाविद्यालय कॉलेज के सामने एक चौपाटी जंक्शन के नाम से असी स्ट्रीट फूड खोलिया है, जिहड़ा कि लास्ट संडे जिहदी ओपनिंग सीगी, और असी इहदे विच इंडियन स्नैक्स जिन्हां दे विच चाइनीज़ कॉन्टीनेंटल और पानीपुरी गोलगप्पे वगैरह सारे रखे हैं, जो कि इस साढ़े रोड के उपर एक भी इंडियन वैजीटेरियन रेस्टोरेंट नहीं हैगा। लोगों की डिमांड देखते हुए असी इस रोड के उपर इस चेन लैके आए हैं फास्ट फूड की, और असी अगों भी बड़े होर नवे स्नैक्स लैके आ रहे हाँ, और असी लास्ट संडे नूं साडी ओपनिंग हुई है, और इस संडे नूं असी अपना लोगों के लिए जम्मू पूड़ी का इंतजाम किया है, जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं, और असी चाहवांगे कि इस एरिए दे लोग साढ़े टांडा रोड से इस चीज़ का लुत्फ लैन और सारी फैमिली में आके इंजॉय कर। थैंक यू। सो हम ऐसे इतने विजिट कर रहे कस्टमर्स ना भी थोड़ी जी गलबात कराएगी, उन्होंने यह किमें लगा? चलो हैलो हैलो। सो तुम दसो कि तुम इस बारे कि पता लगा कि रेस्टोरेंट खुला है, तेरे नेड़े पैंदा? पहले पता लगा कि मैं पहली बार आई इतने, ओके, मैं पहली बार खा के देखा, मैं तो काफ़ी वधिया लगे इतने आकर, बहुत वधिया लगे, पिज़्ज़ा बर्गर काफ़ी कुछ वधिया लगे मैंने खाने का, बहुत वधिया मज़ा आया। ठीक है थोड़ा डेकोरेशन भी वधिया लगे, मतलब तेरा मतलब ये है कि बहुत ही वधिया रेस्टोरेंट है? मेरा बस मतलब ये कहने का बस वधिया तो वधिया लगता मैं, जो भी अस इंजॉय करते हैं सानू इंजॉय करने तो भी सब कुछ वधिया लगता है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो अभी हम यहाँ पे इनके न्यू एक और विजिटर यहाँ पे आए हैं, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके व्यूज। हेलो, आप अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम गुर आशीष। ओके, सो आप यहाँ पे पहली बार आए हैं? हाँ जी। ओके, तो आपको आप अपना व्यू बताइए कि आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? प्लेस अच्छी है, खाने के में बैठने की जगह अच्छी है, और खाना पीना अच्छा ही है। ओके, सो आपने क्या क्या ऑर्डर किया? हमने यहाँ सैंडविच मंगवाए, गार्लिक ब्रेड और बर्गर मंगाए। तो आपको सबसे बेस्ट क्या लगा? बर्गर तो अभी आया नहीं, तो सैंडविच इनका अच्छा है। ओके ओके, तो रेट वगैरह आपको इनके जेन्युइन है? वैसे हमें भी यही लगा कि जेन्युइन है। आप बताइए कि यहाँ पे लोगों को और आना चाहिए? हाँ, एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। ओके, तो आप कुछ और बताना चाहेंगे जो आपको इनके बारे में अच्छा लगा हो? ठीक है, प्लेस अच्छी है, इनकी सिटिंग अच्छी है, पर फूड इतना मतलब एक तो सर्विस बहुत लो है इनकी। ओके ओके, कोई खास टेस्ट नहीं है, अच्छा ज़्यादा अच्छा। वेल, वो तो अभी थोड़ी आम बात है क्योंकि अभी ये न्यू खुला है। हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप यहाँ पे आते ही रहेंगे अब तो। थैंक यू सो मच। जैसे कि देख ही रही हो बहुत धुआं धुआं निकल रहा है, गरम गरम है बिल्कुल।
बहुत टेस्टी है, नूडल्स फ्रेश एंड सॉफ्ट से हैं। सो गाइस हमारी पेप्सी आ चुकी है, सॉरी थम्स अप आ चुकी है। बिना कोल्ड ड्रिंक के ना नूडल्स भी अच्छे नहीं लगते, सो हमने इसके साथ कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। नूडल्स के साथ बहुत अच्छा लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन। फिर से टिश्यू मांग रही है। काफी बढ़िया क्वालिटी है, फ्रेश है, आपके सामने गरम गरम से आए थे। काफी अच्छे से सूखती है एंड बहुत ही टेस्टी है। सफाई है इनके अंदर किचन में, लाइक ग्लव्स डाल के बनाते हैं, बिल्कुल क्लीन एंड नीट टाइप है। तो आप बिना किसी डर के यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। सो गाइस हमारा पिज्जा आ चुका है, बहुत ही यम्मी लग रहा है और बहुत ही बड़ा साइज है यार, वाओ। चलो अब टेस्ट करते हैं, या टेस्ट करने की टाइम है। गाइस इस पिज्जे का नाम है गार्डन डिलाइट पिज्जा, वाओ। और ये मेरे और ये ऑरेगानो है जो मैं इसके ऊपर पोर करूंगी थोड़ी सी। सॉरी गाइस ज्यादा ही पड़ गई। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाली होती है। सुपर्ब गाइस, बात है पिज्जे की, गरम गरम पिज्जा है, सॉफ्ट है ना कितना, एंड वेजिटेबल्स भी डाली हुई है ना, अच्छी लग रही है। टमाटो कैप्सिकम चीज़ी चीज़ी डाल देते हैं गाइस, इसके ऊपर है ऑरेगानो डाल कर ही खाना, बहुत टेस्टी लगेगा। मुझे तो चिली फ्लेक्स डालने मेरे में है ही नहीं। अब आया ना मज़ा गाइस, बहुत ही सॉफ्ट है एंड अच्छी तरह से बेक हुआ है। बिल्कुल क्रिस्पी सॉफ्ट पिज्जा, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। सो गाइस आप कमेंट में जरूर हमें बताना कि चपाटी कैसी लगी। तो मैं देना चाहूंगी नूडल्स को 10 में से 9.5 एंड पिज़्ज़ा को 10 में से 9। सो मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगी, आप भी यहाँ पे ज़रूर आए। अभी परसों ही ओपन हुआ है, तो मैंने तो आपको कहा था न्यू न्यू जगह देखने के लिए। मेरे साथ बने रहे, मुझे सब्सक्राइब कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें। सो लाइक करें एंड कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताना बिल्कुल मत भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।